दही आलू की रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई की होगी, लेकिन इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लो फ्लेम पे बनी हुई ये दही आलू की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत ही कम मसाले के साथ ये बनी हुई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल और टेस्टी बनते हैं। तो रेसिपी को पूरा ज़रूर देखिए, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो आइए देखते हैं ये कैसे बनता है। इसे बनाने के लिए हमें 500 ग्राम बेबी पोटैटो चाहिए, जिसे आप एक विसल आने तक प्रेशर कुक कर लीजिए। उसके बाद इसका छिलका उतार के इस तरह से तैयार कर लीजिए। अब ग्रेवी बनाने के लिए हम एक मिक्सिंग बाउल में एक कप दही ले लेंगे, और इसे अच्छी तरह से विस्क कर लेना है हमें, ताकि स्मूथ सा टेक्सचर आए दही का। तो इस तरह से इसे फेंट लीजिए। तो कुछ ही देर में आप देखेंगे कि दही बिल्कुल स्मूथ हो चुका है। अब इसमें हम सारे सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने धनिया जीरा मिक्स पाउडर ऐड किया है 1 चम्मच। आप चाहे तो सेपरेट जीरा पाउडर ऐड कर सकते हैं। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे 1 चम्मच। आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाला है मैंने, और आधा छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है हमें, और इस तरह से ग्रेवी के लिए दही तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने इसे मिला लिया है, आप टेक्सचर देख सकते हैं काफ़ी स्मूथ है। अब हम इसमें आलूओं को ऐड कर देंगे, जिसे हमने पील करके रखा था। इसे पोक करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल बनते हैं। इसी स्टेज पे हम इसमें नमक ऐड कर देंगे, और सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिलाने के बाद आप इसे रेस्ट पे रख सकते हैं, अगर आप चाहें तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनते हैं, लेकिन समय की कमी हो तो आधे घंटे के लिए इसे ज़रूर रखिए। मिलाने के बाद इसे कवर कर देते हैं, और आधे घंटे के लिए हम इसे रेस्ट पे रखेंगे। अब हम सब्जी बनाना शुरू करेंगे, जिसके लिए कढ़ाई में 2 टेबलस्पून घी गरम किया मैंने। ये रेसिपी आप घी में ही ट्राई कीजिए, ये बहुत ही लाजवाब बनते हैं। घी जैसे ही मेल्ट हो जाएगा, इसमें हम जीरा ऐड करेंगे। जीरा की क्वांटिटी यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है हमें, लगभग 2 छोटी चम्मच जीरा ऐड किया है मैंने। लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे अच्छी तरह से भून लेंगे घी में। थोड़ा सा जीरा चटक जाए, अच्छी सी खुशबू आने लगे, तो लगभग आधे मिनट के लिए इसे भून लीजिए। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए मैंने, जिसे फाइनली चॉप कर लिया है। इसे ऐड कर देते हैं, और इसे हमें मीडियम फ्लेम पे हल्का सा गुलाबी होने तक भूनना है। तो यहाँ पे इसे मिला लेंगे इस तरह से, और बीच बीच में इसे मिलाते हुए हमें अच्छी तरह से इसे भून लेना है। हल्का सा प्याज ट्रांसपेरेंट हो जाए, बस इतना ही। प्याज का अच्छा सा टेक्सचर आए ग्रेवी में, इसके लिए हम प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे, हल्का सा गुलाबी करना है। तो यहाँ पे इसे भूनते हुए लगभग 1 से 1.5 मिनट हो चुका है, और आप देख सकते हैं इसका कलर हल्का सा चेंज हुआ है। थोड़ी देर और भूनेंगे, इस प्रोसेस में आपको कम से कम 2 से 3 मिनट का समय लगेगा। तो यहाँ पे देखिए थोड़ी सी कसर और बाकी है, तो इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए भून लेते हैं। और यहाँ पे आप इसका टेक्सचर देखिए, बिल्कुल गुलाबी हो चुके हैं। इस स्टेज पे हम इसमें आलू डाल देंगे, जिसे हमने दही के साथ मिक्स करके रखा था। और यहाँ पे हमें गैस का फ्लेम लो कर देना है। अब सारी कुकिंग लो फ्लेम पे ही होगी। अब इसे अच्छी तरह से प्याज के साथ मिक्स कर लेंगे, और मिलाने के बाद हम इसे कवर करेंगे लगभग 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। और इसे बीच में भी चलाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन बाद में मैं आपको 3 से 4 मिनट के बाद इसका टेक्सचर दिखाऊंगी कि दही इसमें हल्का सा फटता है, जो कि टेक्सचर वाइज बिल्कुल परफेक्ट है। हल्का सा दही इसमें फटता ही है, जो ग्रेवी बनता है हमारा, बहुत ही अच्छा ग्रेवी बन के तैयार होता है। तो इसे कवर कर लेते हैं, और लगभग 3 से 4 मिनट के बाद मैं आपको चेक करके दिखाऊँगी। लगभग 3 से 4 मिनट हो गया इसे पकते हुए, तो यहाँ पे मैंने कवर हटाया है आपको दिखाने के लिए, ताकि आप देख सकें इसकी ग्रेवी का टेक्सचर इस तरह से आएगा। हल्का सा दही फटने लगता है, जो कि टेक्सचर वाइज बिल्कुल परफेक्ट है। ये देखिए, अभी इसे नहीं चलाएंगे, 5 मिनट और हम इसे पकाएंगे, उसके बाद हम इसे चेक करेंगे। तो यहाँ पर ग्रेवी का टेक्सचर आपने देख लिया, अब फिर से कवर कर देते हैं, और 5 मिनट के बाद हम इसे चलाएँगे। जब आप घर पर इसे ट्राई करें, तो 10 मिनट के बाद ही आप इसे चेक कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए 10 मिनट हो चुका है, पूरी तरह से घी ऊपर आ गया है इसका। और यहाँ पे मैं आपको ग्रेवी का भी टेक्सचर दिखाऊंगी। इसकी ग्रेवी सिर्फ दही से बनती है, इसमें पानी ऐड नहीं किया जाता है, और बहुत ही लाजवाब बनती है ये रेसिपी। और ये देखिए प्याज और दही का जो टेक्सचर आया है, और इसकी ग्रेवी का स्वाद तो लाजवाब है ही। बहुत ही ज़्यादा अच्छी रेसिपी है ये, ना बहुत ज़्यादा मसाला भूनने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो यहाँ पर अब हम डालेंगे इसमें फ्लेवर के लिए हरी मिर्च। तो ये हरी मिर्च थोड़ी सी कम तीखी है, इसके लिए मैंने 3 ऐड किया है रफली चॉप करके। अगर आपको तीखी मिर्च पसंद हो तो वो भी डाल सकते हैं।
मिर्ची डालने के बाद थोड़ा सा इसे मिक्स कर लीजिए ताकि हरी मिर्च में भी फ्लेवर आ जाए ग्रेवी का। तो बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। आलू अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं, एक विसल आने तक हमने इसे पहले ही पका लिया था, बाकी हमने इसे 10 मिनट तक कुक किया है, तो बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट हुए हैं। तो यहाँ पे मिक्स करने के बाद फिर से कवर करेंगे लो फ्लेम पे 2 मिनट के लिए। तो 2 मिनट हो चुका है, अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। सब्जी हमारी बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए और कलर आप देख सकते हैं, और यहाँ पे ग्रेवी का टेक्सचर देखिए। आलू भी मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ कि कितने सॉफ्ट बने हैं, ये देखिए। तो ये बहुत ही आसान रेसिपी है और इसमें इतने सारे फ्लेवर हैं कि आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। इसे आप गर्मा गर्म पराठे या पूरी के साथ सर्व कर सकते हैं, प्लेन रोटी के साथ भी ये बहुत अच्छी लगती है। तो बिल्कुल इसी तरह से ट्राई कीजिएगा, अगर अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। रेसिपी का इंग्रेडिएंट्स लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से चेक कर सकते हैं। मेरी बाकी बनाई रेसिपीज़ को देखने के लिए स्क्रीन पे दिए लिंक्स पे क्लिक कीजिए और उसे भी लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। मेरी नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।